हमारे साथ मौजूद हैं कुर्सेला प्रीमियर लीग के उप विजेता टीम। चले जानते हैं कैसी कुछ खेल रही और कब से खेल रहे थे सारी बात को और क्या कुछ सर क्या कहेंगे। बहुत ही अच्छा एक आयोजन हुआ जो टूर्नामेंट होता है, बहुत मज़ा आया सबको, सभी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। थोड़ा सा नोकझोंक भी होता है मगर वो खेल का मज़ा है, वह इसमें अंततः देखना चाहिए कि अच्छा मैसेज जा रहा है कि नहीं, प्लेयर खुश है कि नहीं। तो आज जो फाइनल खेला गया दोनों ही टीम के बीच में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, रोमांच बना रहा और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमारी टीम रनर अप भी रही। मगर कल का जिस तरीके से इन्होंने प्रदर्शन किया था तो वो ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था, मतलब उम्मीद तो रहती है अच्छे की मगर बहुत अच्छा खेला। तो आज अगर हम रनर अप भी रहे तो मुझे कोई गम नहीं, हमारे सभी खिलाड़ी खुश हैं और मैं भी खुश हूँ। और ढेरों बधाई प्रखंड 11 की टीम को, गुड्डू सिंह भैया की टीम को, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और एक अच्छा जो पॉजिटिव एनर्जी होती है सबको एकदम मैनेज करके चलना, लड़ाई झगड़ा वाला नहीं, दोनों ही टीम मतलब लगा कि अपनी ही टीम जीती है क्योंकि अपने ही क्षेत्र का है, कोई परेशानी नहीं, उनको ढेरों शुभकामनाएं। तो बहुत सारे यहाँ पे खिलाड़ी हैं उनसे भी जान लेते हैं। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट रहा और सबसे बड़ी बात है क्या कि सभी इस क्षेत्र के सभी खिलाड़ी को यहाँ पे खेलने का मौका मिला और सभी ने अपना प्रतिभा दिखाया। कहाँ से आए थे खेलने के लिए? हम तो यहीं लोकल ही है, टेंगड़िया टला से आए हुए हैं। लोकल ही हैं जी। क्या बैटिंग बॉलिंग आपका क्या? हम तो बैटिंग कर रहे थे। कितना रन? आज तो रन नहीं बना लेकिन एक अर्धशतक लगाया है इस टूर्नामेंट में। तो बहुत सारे यहाँ पे प्लेयर, और कौन सा प्लेयर है इस जगह आप प्लेयर हैं? ड्रेस चेंज कर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा क्रिकेट खेल के, यहाँ का सारे के कोच फील्डर कप्तान भी अच्छा मिला, जिस तरह से खेले बढ़िया लगा खेलने में, बढ़िया लगा खेलने में। आज हार गए, हार अधिक जीत हुई है, आज हार गए नहीं। आप लोग निश्चित रूप से बेहतर खेले हैं इसीलिए आप फाइनल में पहुंचे थे, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगा फाइनल में पहुंचे, वो विजेता हुए, धन्यवाद। चलिए इनसे कुछ जानते बोलिए। हमें बहुत खुशी हुई कि इस टूर्नामेंट का हमने भाग बना, ठीक है, और इसके लिए हम बहुत धन्यवाद करना चाह रहे हैं यहाँ की कमेटी को कि हमारे से खिलाड़ी को मौका दिया गया इस टूर्नामेंट में भाग लेने का, इसके लिए हम धन्यवाद। कहाँ से आए? हम बोलते हैं मैसपुर से खेलने के लिए आए हैं। आपकी टीम जो है उपविजेता टीम बनी है? जी, उपविजेता टीम रही है और हम लोगों ने बहुत ही अच्छा खेल का नमूना पेश किया और साथ ही साथ अनुशासन, खास करके अनुशासन हम लोगों ने दिखाया, जिसके वजह से आज कमिटी में भी हम लोगों की टीम का नाम है कि सबसे शांत और सबसे अनुशासन वाली टीम जो है वो हमारे बलथी महेशपुर की टीम रही है। और कभी भी किसी भी मैच में हम लोगों ने व्यवधान पैदा नहीं किया, जिस प्रकार से आयोजन समिति ने हम लोगों को गेम खिलाया और हम लोगों ने खेला और अच्छे खेल का जो है हम लोगों ने नमूना पेश किया और दर्शक लोग भी हम लोगों के खेल से बहुत ही उत्साहित थे। जो लोग क्रिकेट के लिए, जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जो लोग क्रिकेट में आना चाहते हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे नए युवक? जी बिल्कुल, KPL जो है ये इसका आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही था कि नए नए लड़के जो हैं आजकल जो खेल को जो खेलते हैं उन लोगों को, खास करके कुर्सेला प्रखंड के जो नौजवान लड़के हैं जिन्हें मौका नहीं मिल पाता बाहर जाकर खेलने का, तो उन लोगों के लिए ये KPL का जो है आयोजन कराया गया था और बहुत सारे नए नए लड़के जो है इस KPL में अपना योगदान भी दिए और खेल दिखाया और अपने हुनर का जो है उन लोगों को प्रदर्शित किया हुनर के बारे में कि मेरे अंदर भी जज्बा है, मेरे अंदर भी काबिलियत है और हम भी जो है बड़े बड़े मैचों में खेल सकते हैं, गेम को दिखा सकते हैं। क्या नाम आपका? मोहम्मद आमिर, बल्थी महेशपुर इंडियंस। जी, तो जैसा देख सकते हैं ये हमारे साथ उपविजेता टीम थे, उन लोगों के साथ एक अलग ही जुनून है क्योंकि निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन के वजह से ही आज फाइनल में वो लोग पहुंचे थे। हालांकि निश्चित रूप से जब मैच होती है तो एक टीम जीतती है तो एक टीम हारती है, लेकिन यहां पर देखा जाए तो कोई भी टीम हारी नहीं है लेकिन उपविजेता के रूप में जरूर बने हैं। इसी तरह कोसी न्यूज को देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, तब तक अपने दोस्त अजीत को दीजिए इजाजत। जय हिंद।